भाई सब बंदूक, ये बंदूक मेरी फेवरेट है, ये वाली गन मेरी फेवरेट गन्स में से एक है। ये भाई साहब मजा आने वाला है, एकदम फुल फुल मजा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो यार आज की वीडियो में फिर से खेलने जा रहे हैं हमारा GTA 5। तो यार पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई फ्रैंकलिन ने स्काई डाइविंग करी थी, वो भी अकेली नहीं एक गाड़ी के साथ एक स्काई डाइविंग करी थी। एक पिछली बार हमने कुछ वीडियोज में देखा था, एक बंदा हमें मिला था पेड़ पे लटका हुआ जो कि स्काई डाइविंग करता हुआ फेल हो गई थी उसकी स्काई डाइविंग। अगर पिछली कुछ वीडियोज नहीं देखी सबसे पहले तो जरूर से आगे देख लेना, काफी ज्यादा कमाल की। तो पिछली वीडियो में हमने एक प्लेन में से चलते प्लेन में से कार कुदा दी थी और कार कुदाने के बाद वहां से हम कूद गए थे, स्काई डाइविंग करी थी। तो जरूर से आगे देख लेना पिछली वीडियो, तो वहां से भी हम गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हमने मैंने एक नई स्पोर्ट्स कार मंगवाई है, ये मैंने पहले कभी भी नहीं चलाई, मतलब अब से पहले कभी भी नहीं चलाई इस गेम में, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। और ये कोई लगती तो एकदम लैम्बोर्गिनी जैसी है, लेकिन ये लैम्बोर्गिनी नहीं है। और इसके लुक्स पीछे से काफी तो सही है यार, आगे से भी ठीक ठाक है और पीछे से तो कुछ ज्यादा ही सही है। तो आज हम अपना ड्राइवर के साथ खेलने वाले हैं और अपना नेक्स्ट मिशन देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। यहाँ पे वैसे दो मिशन बने हुए आ रहे हैं ड्राइवर के लिए, तो एक तो क्वेश्चन मार्क बना हुआ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है HS करके कुछ निशान बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं HS की तरफ चलता हूँ क्योंकि HS थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। जब भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ आता है तो शायद से इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता मिशन, कभी कभी हो जाता है कभी नहीं होता। तो अभी मैं चलने वाला हूँ HS जहाँ पे बना हुआ है, वहाँ चल के देखते हैं क्या मिलने वाला है। ओके, तो मैं अपने HS पे तो भाई पहुँचने वाला हूँ और ये इलाका बहुत कच्चा सा इलाका है, मतलब ऐसा मिट्टी विट्टी टाइप का इलाका है। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे होने क्या वाला है, क्योंकि शायद से यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ पे हो सकता है कोई रैंडम ही चीज़ मुझे। ओके, तो सामने कोई गाड़ी है जो भाग रही है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें गाड़ी को चेस करना होगा। यहाँ लिखा है ओ भाई साहब, अबे भाई ये गलती कर दी, नहीं 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 ये गलती कर दी मैंने इनमें ठोक कर। अबे भाई साहब मुझे शायद से कोई गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी हुई, एक बड़ी गाड़ी है एक छोटी गाड़ी है, तो मुझे लग रहा है जो बड़ी गाड़ी है मुझे लेकर भागनी होगी। ओ भाई इन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी मेरे ऊपर। ओ भाई साहब मैं एकदम से आ रहा था भगाता हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने भाई इनके अंदर गलती में ठोक दी, लेकिन अब क्या ही करूँगा। मैं ये वाली बंदूक नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर मैंने ये वाली बंदूक ली तो भाई ये एक करेगी पूरी की पूरी गाड़ियों को फाड़ देगी, तो शायद से गाड़ियाँ हमें नहीं फाड़नी है, हमें इनको मार मार कर उस गाड़ी को ले जा रहा हूँ भाई, वो गाड़ी काम की फिलहाल तो। ओके, मैं पहले इन सबको भूखी वालों को मार देता हूँ और फिर देखते हैं फिर क्या करना होगा। अबे भाई ये मिलिट्री के बंदे हैं, अभी हम इस टाइम मिलिट्री के बंदों से पंगा ले रहे हैं, ये देखो। अबे भाई सब यहाँ बंदे इतने सारे हैं मारने। ओके, सारे नहीं है वैसे, खत्म हो गए हैं, चलो शुक्र है खत्म तो हुआ। अबे एक और बचा हुआ है, अबे कहाँ है भाई, अच्छा यहाँ पीछे छुपा हुआ है सबसे। ओके ओके, तो हमें ये जो पूरी की पूरी आर्मी वाली गाड़ी है लेके भागनी है, क्योंकि अब यहाँ लिखा हुआ है मैथ लैब, मुझे ले जानी है ये गाड़ी। और इसके अंदर शायद से दो कंटेनर रखे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और इन कंटेनर के अंदर शायद से या तो भाई पैसे होंगे या फिर बम होंगे, हथियार वगैरह होंगे, क्योंकि भाई आर्मी का आर्मी की गाड़ी है तो हथियार वगैरह भी हो सकते हैं। तो अभी पहले इसे अपनी लोकेशन पर ले जाते हैं और फिर देखते हैं वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जब तक लोकेशन पर नहीं ले जाएंगे तो हमें पता नहीं चलने वाला उसके अंदर है क्या, और उसके बाद ही पता चलेगा इसके अंदर है क्या। हम फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं इस कंटेनर वाली गाड़ी को लेकर, और अभी यहाँ पर क्या करना होगा, ये शायद से कोई पार्किंग वार्किंग टाइप की जगह है, यहाँ पर मुझे इसे खड़ा करना होगा। ठीक है, तो इस जगह पर शायद से मैं पहली बार ही गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, मैंने शायद से पहले कभी गाड़ी खड़ी करी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है कि मुझे ओके, तो भाई फ्रैंकलिन मोड़ लाया हमने कर दिखाया, लेकिन इसमें क्या करने वाली बात थी, क्योंकि भाई ये तो बहुत ही छोटा सा हमारा कोई मिशन था। और अभी यहाँ पे ये वाला मिशन तो कंप्लीट हो चुका है, मैं सबसे पहले भाई बंदूक अंदर रख लूँगा, अभी पुलिस वाले ना पीछे पड़ जाए। और अभी हम चलने वाले हैं अपनी नॉर्मल वाली बाइक बुलाकर। ओके, तो अभी हम लेस्टर को फोन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी जो हमने काम करा है वो लेस्टर के लिए काम करा है। लेस्टर ब्रो, वी गॉट आवरसेल्फ्स सम मिलिट्री हार्डवेयर, इट्स पार्क्ड आउट बैक इन माय ऑफिस। ओके ठीक है, वी माइट बी रेडी टू मूव ऑन दिस थिंग, मीट मी अप इन द लैब। ओके, तो भाई अभी लेस्टर ने हमें लैब की तरफ बुलाया है और लैब पे तो भाई हम ऑलमोस्ट खड़े हुए हैं, तो अभी हमें करना क्या होगा यार, हमें शायद से अंदर जाना होगा। अभी अंदर जाके देखता हूँ मैं, क्योंकि लेस्टर को बता दिया है माइक फ्रैंकलिन ने कि मैंने जो मिलिट्री की गाड़ी है वो खड़ी कर ली है अपने ऑफिस के पीछे, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। ओके, तो हमें यहीं आना था और हम फाइनली आ चुके हैं, और यहाँ पे पक्का से लेस्टर जरूर आएगा, और यहाँ पे हो सकता है माइकल भी लेस्टर के साथ आए, तो ये मिशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर से देख के जाना। और भाई ने काले कपड़े पहन लिए, सूट वूट पहन लिया, और भाई साहब माइकल ने भी काले कपड़े पहन लिए और ट्रेवर ने भी काले कपड़े पहन लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है ये कोई लूट ले जाए कुछ। ओ भाई साहब
अभी लेस्ट है पूरी। ओ भाई फ्रैंकलिन भी यहाँ पर है यार, ये तो बड़ा सरप्राइज वाला सीन हो गया यहाँ पर। ओके लेस्टर फुल एकदम लैपटॉप में लगा हुआ है, एकदम खतरनाक तरीके से चीजों को कंट्रोल करने में, और फ्रैंकलिन यहाँ पर। ओके मैं समझ गया, हो सकता है इस मिशन में हम बैंक वगैरह लूटे हैं, अभी देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। वैसे तो अभी भाई फ्रैंक ट्रेवर की और माइकल की बहस हो रही है, इनकी बहस हमेशा होती रहती है। तो भाई अभी फ्रैंकलिन बोल रहे हैं लोगों से, भाई अपनी बहस बंद करो, मुझे जिस काम के लिए बुलाया मुझे काम बताओ, मैं काम करूंगा फिर चला जाऊंगा यहाँ से। ओके तो भाई अब ये माइकल बताएगा काम। We're going to Paleno Bay. We're going to do this thing. Any questions? Comments? Yeah. Okay. Miss Brad, that crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. ओके तो अभी ड्राइवर बोल रहा है मैंने किसी को मिस कर दिया, मतलब मैं किसी को, या तो ये किसी बंदे का नाम ले रहा है या पता नहीं किसका नाम ले रहा है, ये शायद से किसी बंदे का ही नाम ले रहा है, कह रहा है मैं अपने साथ लेके जाऊंगा उस बंदे को, अभी देखते हैं क्या होगा। ओके तो भाई अभी पक्का से हम कुछ लूटने जा रहे हैं, और अभी देखते हैं अभी लूटना क्या है, और मजा आने वाला है इस मिशन में बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी बिल्कुल एकदम कॉस्ट्यूम टाइप की पहन ली है फ्रैंकलिन ट्रेवर माइकल तीनों बंदों ने, और हमारे साथ एक बंदे को हमने हायर किया है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है पीछे बंदा है लेस्टर के, ये भी बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, ये कोई हैकर वैकर है मेरे ख्याल से, तो अभी मजा आने वाला है। फुल एकदम फॉर्म में है तीनों बंदे। ओके इस वैन में हम जाने वाले हैं, और बंदे हमारे पीछे बैठ चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू द पियर। ओके ये पियर मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सुना, मतलब सुना सुना सा लग रहा है, मुझे लग रहा है जिसे मैं पहले जा चुका हूँ। ओके तो भाई अभी बैंक का नाम लिया है ट्रेवर ने शायद से, तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी हम बैंक को ही लूटने जा रहे हैं, अभी देखते हैं वैसे जाना कहाँ, थोड़ा सा दूर होने वाली है लोकेशन, लेकिन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा शॉर्टकट वगैरह लेने की ताकि भाई जल्दी से वहाँ पे पहुंच जाए। तो हम ऑलमोस्ट पास पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन के, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये वही जगह है जहाँ पे हम पहले भी आए थे, और ये जगह मुझे वही लग रही है जो बैंक के पास थी। अभी मैं थोड़ा सा और पास चला जाता हूँ, फिर जाके पता चलेगा कि ये वही जगह है या नहीं। ओके ये वो जगह तो नहीं है, लेकिन ये वो जगह मुझे बैंक के पास की लग रही है। ओके अभी सिर्फ हमने फ्रैंकलिन को उतारा है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा प्लान वगैरह बना ले हैं, अभी अभी मुझे पता नहीं है। ओके पार्क वैन नियर द पे, ओ भाई साहब अब बैंक में ही जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मुझे बैंक के पास जो एंट्रेंस है वहाँ पे अपनी वैन को खड़ा करना है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मिशन के लिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा अब तक। ओके भाई यहाँ पे हमें खड़ी करनी है गाड़ी, अब देखते हैं क्या होगा। ओ भाई सब पूरे नकाब वकाब पहन लिए पूरे, और लिखा हुआ है कि मुझे इनसाइड जाना है बैंक के, और अब बंदूक बंदूक भी हाथ में ले लिए फाइनली, और ये सेविंग बैंक है कोई। ओके तो अब क्या करना है देखते हैं भाई, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ओ भाई साहब पूरी पहले सबसे पहले तो अलार्म पे इस बंदे ने गन शूट कर दी, अभी शायद से इन्हें मारना नहीं है, डरा नहीं है। लो भाई बाहर निकलो भूतने वाले, सारे पैसे निकालो। ओ भाई साहब तिजोरी तो खोल दी हमारे बंदे ने। ओ भाई ये क्या कर रहा है। ओके हमारा बंदा, ओके मैं समझ गया, हमारा बंदा जो काटने की वो होती है, मतलब किसी भी चीज से काट रहा है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। ओके अभी देखता हूँ। ओके समझ गया, वेल्डिंग वाली चीज से काट रहा है, वेल्डिंग होती है उसका नाम, वेल्डिंग होता है, दिमाग से निकल गया था। ओके वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग नहीं कर रहा है एक तरीके से, वेल्डिंग वाला कटर है उससे काट रहा है इस तिजोरी के लॉक को, और लॉक को कटने के बाद पैसा ही पैसा है अंदर, माला माल हो जाएंगे अभी ये बंदे। ओके ये पैसा नहीं है, मतलब ये पैसे नहीं है, कैश नहीं है, कैश इसके अंदर है, यहाँ पे ड्रॉर्स बने हुए हैं, ड्रॉर्स के अंदर पैसे हैं। ओ भाई रोने वाली आवाजें निकाल दी है यहाँ पे। ओ ये तो लंबा लेट गया भाई यहाँ पे, इसे मार दिया तो मिशन पक्का से फेल हो जाएगा। ओ भाई चीख रहे हैं यहाँ तो बहुत तगड़ा, और लंबा लेटे हुए सारे के सारे, लंबा लेटे हुए यहाँ पे। ओके तो भाई अभी जब तक यहाँ से तोड़ नहीं रोता, मतलब इसे तोड़ नहीं देता जब तक, मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा शायद से, और यहाँ पे कैरेक्टर चेंज करके देखता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर चेंज करने का भी आ रहा था। ओके तो मुझे अब इसकी मदद करनी होगी। ओ भाई साहब माइकल ने डायरेक्ट लात मार के, ओ भाई साहब मेरा पैसे बढ़ रहे हैं अपने आप ही, अबे भाई पैसे देखो कितने बढ़ गए, अबे भाई अबे भाई साहब ट्रेवर तो फुल पागल बंदा है, बाहर निकलते ही बंदूक बजानी शुरू कर दी। ओ भाई साहब पैसे देखो कितने बड़े जा रहे हैं यार मेरे, अबे भाई साहब पैसे देखो यार, और पुलिस वाले यहाँ पे बहुत सारे आ चुके हैं। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे पक्का से कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा जरूर, वो इसलिए क्योंकि हमने फ्रैंकलिन को थोड़ी देर पहले अभी पीछे उतारा था, बैंक से थोड़ा सा पीछे उतारा था, तो वो शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री वाली गाड़ी लेकर आ सकता है, और वो इन सबकी बैंड बजा देगा। तो ओके ओ भाई साहब यहाँ पे कपड़े देखो कैसे पहने इन लोगों ने,
Mother shit. ओ भाई सब बंदूक, ये बंदूक मेरी फेवरेट है, ये वाली गन मेरी फेवरेट गन्स में से एक है, ये भाई साहब मजा आने वाला है एकदम, फुल मजा। अबे भाई साहब, अबे यार ये मेरी फेवरेट बंदूक है, ये मैं बचपन में मुझे बहुत पसंद थी भाई सिटी में, और अभी भी बहुत मजा आने वाला है इससे लड़ने में। जितने भी पुलिस वाले आ गए पर अगले पड़ता जीतेंगे, ये बंदूक ऐसी है भाई, कितने सारे आ गए यहाँ पे। आ जाओ भाई यार, तीनों को भी आना है, आ जाओ। मतलब पुलिस वाला भी देख के यही बोल रहा था कि ये क्या ही ले आया बंदा, मतलब जो गन है उसको देख के बोल रहा था ये क्या ही ले आया भाई साहब, गिरा दिया उन्हें, गिरा दिया। ओके अभी भाई पुलिस वाले लगातार आए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे आने, लेकिन मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि भाई जीतेंगे तो हम ही इस बंदूक की वजह से। गया 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 गया, फटी नहीं है, फट गई। अभी जाना कहाँ है, हमें कहीं जाना तो नहीं है। अभी जो हमने कॉस्ट्यूम पहन रखी है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्यूम और मनी जो हमारे पास इकट्ठा हो गई है उसकी वजह से हम बहुत कम भाग रहे हैं। और अभी मैंने नोटिस ये करा है कि हमारे बैग में इतने सारे पैसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब वो निकल रहे हैं, उड़ रहे हैं वो पीछे की तरफ। अब यहाँ पे जितने बंदे मुझे उनकी बैंड हो जानी पड़ेगी। ओके मेरा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, मैंने कुछ भी नहीं करा। ओके शायद से मैं अभी ओके मैं फ्रैंकलिन बन चुका हूँ, और मुझे अभी मैं इस गाड़ी में बैठा हुआ मिला हूँ, यहाँ पे लिखा है गो टू माइकल एंड ट्रेवर, तो मुझे माइकल और ट्रेवर के पास अपने दोस्तों के पास वापस जाना होगा, और वापस जाके मुझे ये देखना है कि वहाँ पे मुझे करना क्या है। ओके तो भाई वो बुला रहे हैं, मतलब ट्रेवर और माइकल फ्रैंकलिन को बुला रहे हैं, तो वो कहाँ पर आए थे भाई ट्रेवर और मतलब फ्रैंकलिन ने ट्रेवर और माइकल को बोला कि मैं आ गया ऑलमोस्ट, और अब शायद से हमें इस गाड़ी के अंदर बैठना होगा। अभी देखते हैं, ओ भाई साहब इसके अंदर बैठ रहे हैं हम, ओ भाई साहब ये बढ़िया सीन हो गया यहाँ पे। अबे भाई साहब ये बढ़िया सीन हो गया। अब यहाँ लिखा है गुड का फैक्ट्री, अब हमें सामने वाली एक फैक्ट्री है मुझे दिख रही है, इसके अंदर जाना होगा। अब मुझे नहीं पता इस फैक्ट्री के अंदर जाके क्या करना है, कुछ खतरनाक सीन हो सकता है इस फैक्ट्री के अंदर जाके, या तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इस पूरी की पूरी फैक्ट्री को तबाह कर दें, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। अभी तो ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, और शायद से यहाँ पे कोई गैरेज वगैरह है, तो मुझे यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी करनी होगी वाली, और अभी खड़ी करके देखता हूँ। ओके तो यहाँ से या तो हमें शायद से भागना होगा। अभी मैं वैसे ये जो हमने कवच सा पहना हुआ है इसको पहनने की वजह से ज़्यादा तेज भाग नहीं पा रहे। ओके रेलवे प्लेटफॉर्म, ओके यहाँ लिखा है कि मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। अबे भाई यहाँ तो गुंडे गुंडे हैं, ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे इनका कवच भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा गोली मार नहीं पड़ रही, इसके बाद ये पड़ रहे हैं भाई। भाई बंदे बहुत सारे हैं यहाँ पे, बंदे बहुत ही सारे हैं, इनमें भर भर के मुझे देना पड़ेगा, खुराक देनी पड़ेगी तभी यहाँ से जाएंगे। अबे भाई बंदे बहुत हैं, बंदे बहुत ही सारे हैं, सबकी बैंड लगा देंगे। अरे भाई ले ले ले, क्या भाई क्या, सबसे आगे मैं ही चल रहा हूँ अभी शायद से। ओके मैं माइकल हूँ अभी, माइकल बन के खेल रहा हूँ गेम, कोई बात नहीं। माइकल सबसे ज़्यादा मज़ा वैसे मुझे फ्रैंकलिन और माइकल से आता है, हालांकि ट्रेवर भी अपना सन की तरह दिखाता है, लेकिन माइकल और ट्रेवर फ्रैंकलिन की बात अलग ही है। क्या भाई क्या, एक ही बचा हुआ यहाँ पे शायद से, अब आई होप कि अब ना आए वैसे, शायद से अभी भी आएंगे, क्योंकि जो हमारा ट्रेन हमारी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है जहाँ पे हमें जाना है, वहाँ पे से जाने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा मुझे। अभी बंदे ख़त्म नहीं हुए भाई यहाँ पे, बंदे ख़त्म नहीं हुए। ओके शायद से यहाँ पे एक ट्रेन आने वाली है जिसमें हमें बैठना होगा मेरे ख्याल से। ओके तो भाई अभी माइकल बोल रहा है ट्रेवर और फ्रैंकलिन से कि हमें जो यहाँ पे ट्रेन आएगी उसमें बैठना होगा, तो अभी शायद से हमें आने वाली ट्रेन को पकड़ कर बैठना होगा उसके अंदर, और उसके अंदर भागना होगा। ओके भाई अभी माइकल बोल रहा है अपने ड्राइवर और फ्रैंकलिन से कि भाई चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, यानी इनसे लड़ने की प्रॉपर कोशिश करो, वैसे तो मेरी हालत खराब हो गई लड़ते लड़ते, लेकिन अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे करना क्या है। ओ भाई साहब ट्रेन आ गई है फाइनली, और अब मुझे ट्रेन के अंदर चढ़ना होगा। ओके तो भाई फाइनली हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं, पैसे वैसे हमने ले लिए हैं। ओके तो आई होप कि यहाँ पे हमारा काम पूरा हो चुका हो, और मिशन भी हमारा शायद से मुझे ऐसा लग रहा है पूरा हो ही जाएगा। ओके ट्रेन तो रुक चुकी है, और इन्होंने कपड़े वपड़े भी बदल लिए हैं। Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. ओके तो भाई अभी ड्राइवर इस बंदे से बोल रहा है जो गाड़ी को चेक कर रहा था, ये गाड़ी को चेक करने वाला था, ट्रेन को चेक कर रहा था, तो भाई अभी ड्राइवर इससे बोल रहा था कि भाई ध्यान से चेक करो नहीं तो तुम मर भी सकते हो।
ओके दिस इज अ बिग विन ओ या इट्स अ ह्यूज फकिंग नहीं नहीं ये तो हमारा ही बंदा है शायद से मैंने सोचा कि ये कोई और है लेकिन ये हमारा ही बंदा है और इसने हमें पैसे दिए हैं जो हमने अभी बैंक लूटा क्योंकि इसी ने हमसे शायद से काम करवाया ये हमने अपनी मर्जी से नहीं करा और हमें शायद से इनने कम पैसे दिए हैं इसलिए माइकल अभी से गाली बकरा था मैंने सोचा ये कोई और बंदा है ट्रेन को चेक करने वाला है लेकिन ये ट्रेन को चेक करने वाला नहीं था इसने हमसे बैंक लुटवाया और इनने बहुत कम पैसे दिए और माइकल वाइकल इसे गाली बकरा रहा है और अभी ट्रेवर और फ्रैंकलिन अभी जाने अपने घर पे और अभी हम माइकल बनके हमारा यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो चुका है। तो यार बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर जरूर से लाइक कर देना और अगर चैनल पे पहली बार अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को मेक श्योर जरूर से ऑन कर लेना ताकि मैं चैनल पर कभी भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी कंप्लीट वीडियो या सीरीज मिस ना हो और मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना कि आज की बैंक की हाइस्ट कैसी लगी, मजा आया नहीं आया, मतलब मुझे तो बहुत ही मजा आया। तो मैं मिलता हूँ कोई कमाल की अमेजिंग वीडियो के साथ अगली बार। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।